निर्मल जलवा सुगंधित चंदन अक्षत के संग पुष्प सजाऊं। निर्मल जलवा सुगंधित चंदन अक्षत के संग पुष्प सजाऊं। चारूले आरत वंदन कर सब दुखों से मुक्ति में पाऊं। चारूले आरत वंदन कर सब दुखों से मुक्ति में पाऊं। थालों में धूप श्री फल आदि लेकर के मैं अर्घ बनाऊं। थालों में धूप श्री फल आदि लेकर के मैं अर्घ बनाऊं। हे महावीर प्रभु विनती बस तुम जैसा ही स्वरूप मैं पाऊं। हे महावीर प्रभु विनती बस तुम जैसा ही स्वरूप मैं पाऊं। तुम जैसा ही स्वरूप मैं पाऊं। तुम जैसा ही स्वरूप मैं पाऊं। एक छंद माँ शारदे के चरणों में रखती हूँ। माँ जिनवाणी का आवाहन करती हूँ और उनकी स्थापना यहाँ करके मैं उस प्रभु की अर्चना करती हूँ जिसके कारण हम सब का अस्तित्व है। सुनेगा छंद प्रेषित करती हूँ। स्वागत कि पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो भर दो उजियारो। पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो भर दो उजियारो। जीवन के सब सार लिखे नित लेखन पाठन और निखारो। जीवन के सब सार लिखे नित लेखन पाठन और निखारो। मान तजे अभिमान तजे तज औरन को यह दास निहारो। मान तजे अभिमान तजे तज औरन को यह दास निहारो। और साधक आज करे विनती अब मात कृपा कर आन पधारो। साधक आज करे विनती अब मात कृपा कर आन पधारो। मात कृपा कर आन पधारो। मात कृपा कर आन पधारो। माँ का आवाहन हुआ, आइए हम प्रभु की वंदना करते हैं, उस ईश्वर की वंदना करते हैं। मैं प्रारंभ करती हूँ, मंच का भी मन चाहती हूँ। सुनेगा आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। ये तो है अनमोल नहीं है इनका कोई दाम। ये तो है अनमोल नहीं है इनका कोई दाम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। ये है वो दरबार जहाँ पर सभी है एक समान। ये है वो दरबार जहाँ पर सभी है एक समान। ना तो कोई निर्धन है और ना ही कोई धनवान। ना तो कोई निर्धन है और ना ही कोई धनवान। यहीं से है आगाज तेरा। यहीं से है आगाज तेरा। हाँ यहीं से है आगाज तेरा और यहीं पे है अंजाम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। आप रोज प्रवचन सुनते होंगे, कोई ना कोई ऐसी बात जो आपके मन के व्यथा को कम करता होगा वो आप सुनते होंगे। मेरी ये दो पंक्तियां कहीं आपकी मन के व्यथा को कम कर दें तो मेरे कहने की सार्थकता होगी। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना। छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना। हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना। हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना। कोशिश ही तो करती है, को
कोशिश ही तो करती है, हाँ कोशिश ही तो करती है बाधाओं को नाकाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। एक बार आंखें बंद करके मेरे साथ मेरे शब्द गुनगुनाएं और कहीं आप अपने अंदर वो रोमांच महसूस करें जो मैं कर रही हूं, तो हमारा कवि सम्मेलन सार्थक होगा। मैं प्रारंभ करती हूं, मैं कहती हूं सुनेगा कि आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। जय बोले महावीर भगवान की जय। जन्मे महावीर भगवान करने जन जन का कल्याण, जन्मे महावीर भगवान करने जन जन का कल्याण, जागा कण कण में अतिशय बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय। जन्मे महावीर भगवान, जन्मे महावीर भगवान, जागा कण कण में अतिशय तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो महावीर की जय तो बोलो जैन धर्म की जय। वन समर्पित करती हूँ, सुनेगा कि सिंह गाय को एक घाट पर जब जलपान कराया, जब जलपान कराया, सिंह गाय को एक घाट पर जब जलपान कराया, जब जलपान कराया, सब जीवों को जीने का अधिकार हमें समझाया, अधिकार हमें समझाया, जीवन की छट जाए धूप, जीवन की छट जाए धूप, पाऊं तुम जैसा ही रूप, पाऊं तुम जैसा ही रूप, हो जाए कर्मों का क्षय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो महावीर की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय। हाथ में मेरा मन है कि जितने बार जैन धर्म की जय हो दोनों हाथ ऊपर उठाएं और मेरा साथ दे दें कि नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो, कि नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो, नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो, सभी बराबर दिखते जिसमें पहना वो ऐनक हो, पहना वो ऐनक हो, होकर वीरा की संतान बनकर जैन धर्म की शान, होकर वीरा की संतान बनकर जैन धर्म की शान, हम है एक करो निश्चय बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो महावीर की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो महावीर की जय, बोलो जैन धर्म की जय। जय बोले महावीर भगवान की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, मेरी इस वंदना को आपने ताल दी, नेह दिया, आशीर्वाद दिया, अब ये वंदना पूरे देश में जाएगी। चार पंक्तियां कहती हूँ, जो लोग हमारे गुरुओं को हमारे मुनियों को कुछ कहते हैं मैं केवल उनसे कहती हूँ कि ना ये द्वेषी है ना ये रागी है। पिछले दिनों एक बात आई, आप सब जानते हैं, मैं उस बात को कहकर दोहराकर कहीं अपने गुरुओं के सम्मान में कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहती, मैं केवल आप तक, आप समझ जाएंगे मैं पंक्तियां निवेदित करूंगी, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि ना ही द्वेषी है ना ये रागी है, ना ये द्वेषी है ना ही रागी है, पाप करते जो कहते दागी है, पाप करते जो कहते दागी है, देवता से है जिनकी दौलत को
पूजो इनको ये से त्यागी है। बिल्कुल नई पंक्तियां हैं, और चार पंक्तियां पढ़ती हूँ और अपने कर्तव्य निर्वहन के रथ को आगे बढ़ाती हूँ। उसके बाद जो आप सुनना चाहते हैं, हालांकि ये भी आप सुनना ही चाहते हैं, इसने मुझे नाम दिया, पहचान दी, मुझे खड़े होने के लिए जमीन दी, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। एक बार अपने गुरुदेव की छवि अपने जहन में रखिए, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं, दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं, हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं, हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दिगंबर भेष पिच्छी अर्कमंडल रूप है न्यारा, दिगंबर भेष पिच्छी और कमंडल रूप है न्यारा, मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। और अंत में केवल चार पंक्तियां, जिन्होंने मुझे पहचान दी वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। कि जहां पर सच दया सम्मान और ईमान, जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। मुझे उम्मीद है बहुत लोगों को मेरी ये पंक्तियां याद हैं, फिर भी पहली बार एक अधिकान होगा जो पहली बार इन पंक्तियों को सुन रहा होगा, मैं उन तक अपनी बात पहुंचाती हूं जी। बहुत ये गीतों के राजकुमार आदरणीय संतोष आनंद जी, मैंने एक बार मेरे संस्कार जैन धर्म से मुझे मिले, मेरे जैन परिवार से मुझे जो संस्कार मिले, मैंने एक बार बचपन में वो संस्कार मंच पर दिखाया, उसकी शायद उसके बारे में उस बात को एक बार संतोष आनंद जी जरूर कहेंगे। वो संस्कार मैंने दिखाया, वो मेरे माँ बाप के संस्कार थे, मेरे समाज के संस्कार थे, वो आज तक मुझे उस संस्कार के लिए आशीर्वाद देते हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी ऋणी हूँ। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। कि जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहां कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहां कोई, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है। जब मुझे ये कहा जाता था कि अनामिका ये बहुत कटु पंक्तियां हैं, तुम सार्वजनिक रूप से मत कहा करो, शायद सार्वजनिक रूप से कहने की हिम्मत भी ये धर्म देता है, मैंने कहीं वो पंक्तियां और सुनाती हूँ, उसके बाद मैं सीधे सीधे कवि सम्मेलन पर आती हूँ, सुनिएगा। कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।